hello students, welcome back to all in class 7 subject computer today we will discuss next topic of this chapter formatting and function in Excel today our topic is function in Excel so let's come on the topic sometimes we need to do large calculation many number of times in this case writing forms repeatedly become a difficult task MS Excel has many input formulas called function these function make our task easier these function falls under different categories such as text mathematical financial date and time etc all function must begin with equals to sign means कभी कभी हमें लार्ज कैलकुलेशन को कई बार बड़ी संख्या में कैलकुलेट करने की जरूरत होती है तो इन केसेस में फार्मूला को बार बार लिखना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है इसके लिए एम एस एक्सएल में कई सारे इन बुड फार्मूलाज हैं जिन्हें फंक्शन कहा जाता है यह फंक्शन हमारे वर्क को ईजी बनाते हैं यह फंक्शन डिफरेंट कैटेगरीज जैसे टेक्सट मैथमेटिकल फाइनेंशियल डेट और टाइम आदि के अंतर्गत आते हैं सभी फंक्शन इक्व टू साइंस से स्टार्ट होते हैं लेट्स नो अबाउट सम इन फंक्शन विद एग्जाम्पल आइए कुछ इन फंक्शन के बारे में जानते हैं फर्स्ट फंक्शन इज सम दिस फंक्शन टेक द वैल्यू एंड गिव दियर टोटल इस फंक्शन का यूज़ गिवन वैल्यूज के टोटल फाइंड करने के लिए किया जाता है एवरेज फंक्शन दिस फंक्शन गिव द एवरेज ऑफ द वैल्यू स्पेसिफाइड इस फंक्शन का यूज़ स्पेसिफाइड वैल्यू का एवरेज फाइंड करने में किया जाता है प्रोडक्ट दिस फंक्शन गिव द प्रोडक्ट ऑफ गिवन वैल्यूज़ यह फंक्शन गिवन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट देता है मतलब जो गिवन वैल्यूज़ है अगर हमें उसका मल्टीप्लाइकेशन फाइंड करना है तो हम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं मैक्स फंक्शन दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जर वैल्यूज़ फ्रॉम द रेंज ऑफ गिवन वैल्यू मैक्स फंक्शन का यूज़ गिवन वैल्यू की रेंज में से लार्जर वैल्यू को फाइंड करने में किया जाता है जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे थर्टी फाइव एट्टी और ट्वेंटी है इसमें से हमें लार्जर वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें जो लार्जर वैल्यू है वो एट्टी हो जाएगी तो आउटपुट क्या आ जाएगा एट्टी मिनिमम फंक्शन दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द रेंज ऑफ गिवन वैल्यूज़ इस फंक्शन का यूज़ गिवन वैल्यूज़ की रेंज में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए किया जाता है जैसे यहाँ पे हमें रेंज दी है फोर्टी नाइन थर्टी सेवन और फाइव इसमें इस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है फाइव है तो जो आउटपुट है वो फाइव आ जाएगा राउंड फंक्शन दिस फंक्शन इज यूज टू राउंड द डेसिमल वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफिक डिजिट राउंड फंक्शन का यूज़ डेसिमल वैल्यू को स्पेसिफाइड डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए किया जाता है स्क्वायर दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर स्क्वायर फंक्शन का यूज़ किससे दिए हुए नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने में किया जाता है जैसे यहाँ पे नंबर दिया है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव का जो स्क्वायर रूट है वो होता है ट्वेंटी फाइव पावर फंक्शन पावर फंक्शन दिस फंक्शन इज टू फाइंड पावर वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू सच एज बेस एंड एक्सपोनेंट इस फंक्शन का यूज़ गिवन वैल्यू की पावर फाइंड करने में किया जाता है जैसे बेस एंड एक्सपोनेंट नेक्स्ट है लेट लेट्स नाउ लर्न अबाउट सम टेक्स्ट फंक्शन आइए अब कुछ टेक्स्ट फंक्शन के बारे में जानते हैं तो इसमें फर्स्ट है लोअर फंक्शन दिस फंक्शन कन्वर्ट द टैक्स टेक्स्ट इनटू लोअर केस इस फंक्शन का यूज़ सेलेक्टिक टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जैसे अगर हमने कुछ लिखा है और हम चाहते हैं कि वो स्मॉल लेटर में तो मतलब लोअर केस में कन्वर्ट हो तो हम लोअर फंक्शन का यूज़ करते हैं अपर फंक्शन दिस फंक्शन कन्वर्ट दिलेक्टेड टेक्स्ट इन टू अपर केस यह फंक्शन सेलेक्टेड टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है मतलब आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है अगर आप उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपर फंक्शन का यूज़ करना होगा तो ये फंक्शन थे जिनका एमएसएक्सल में हम यूज़ करते हैं